subscribe and never forget to click on the bell icon to get notification of the latest video। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ वो है टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर। इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चंस हैं, चॉइस भी गिवन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, शिक्षण प्रतिमानों में सिद्धांत एवं मान्यताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। फिर है, व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान की शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या है, व्याख्या कीजिए। What are the educational implication of knowledge of individual differences? इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करने के लिए समूह गतिशील के लिए किस प्रकार प्रयोग की जाती है, व्याख्या कीजिए। How is group dynamics used for developing demographic process in the classroom? Explain। चॉइस में है, आप बुद्धिमान बालकों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित कैसे करेंगे, ठोस उदाहरण की सहायता से उद्धृत कीजिए। हाउ डू यू एजुकेट एंड ट्रेनिंग दी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन, हाईलाइट विद दी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। फिर है, शिक्षण प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न शैक्षिक गतिमानों का शैक्षिक तकनीक में क्या योगदान है, व्याख्या कीजिए। What do you mean by teaching model? What are the contributions of various models of teaching in educational technology? चॉइस में है, शॉर्ट नोट, अधिगम कठिनता यानी लर्निंग डिफिकल्टीज, फिर व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये शॉर्ट नोट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 क्वेश्चन टीचिंग एंड लर्निंग हमारा पेपर है, जिसमें 3rd यूनिट का C, D and E और 4th यूनिट एंड 5th यूनिट कवर है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके इजीली एग्जाम दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पेपर को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर्स और लेसन प्लान्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।